बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। अब चंद दिन बाकी रह गए टूर्नामेंट के अख्तिताम में। इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हफ्ता 29 जून को खेला जाएगा। आज 23 जून हो चुकी है और अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में जो सबसे पहले जिस टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो 2022 की चैंपियन इंग्लैंड की टीम है और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पहली टीम है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है, भारत के भी तकरीबन 90% इम्कानात हैं कि भारत सेमीफाइनल में चला जाएगा, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल कुछ भी कर सकती है, अगर नेट रन रेट हो। और चूंकि भारत का आखिरी मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है तो अब देखते हैं कि उस मैच में क्या होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आज जिस अंदाज से 21 रन से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में यकीनन नफसियाती दबाव का शिकार होगी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। दूसरी तरफ अगर आप देखें अफगान टीम की कारकर्दगी 2023 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 2023 में आपको याद होगा रमजान मुबारक के महीने में शारजा में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज खेली थी। शादाब खान कप्तान थे, 2-1 से अफगानिस्तान वो सीरीज जीता। फिर उसके बाद 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद उस वर्ल्ड कप में अफगानी टीम जो थी वो छठे नंबर पर आई। अगर ग्लेन मैक्सवेल वो इनिंग्स न खेलते जो उन्होंने मुंबई में खेली थी तो अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में भी पहुंच सकता था, लेकिन वो छठे नंबर पर आया। फिर इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने पहले न्यूजीलैंड को हराया और आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दी। तो लग यही रहा है कि, और उनके जो बॉलिंग कोच हैं वो डिवैन ब्रावो हैं और उनके जो बैटिंग कोच हैं वो बैटिंग कोच जिनका ताल्लुक के ऑस्ट्रेलिया से था वो फिर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और वो अब उनके जो मेन हेड कोच हैं अगर देखा जाए तो एंड्रयू स्ट्राउस थी टाउट कुछ ऐसी नाम है उनका, वो उनके हेड कोच हैं। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। आज हमारे साथ वही स्टूडियो में हर रोज़ की तरह खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। हर रोज़ ये हमसे बात करते हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी आपसे इनसे लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इनकी एक टीम तो पहुंच गई इंग्लैंड का इन्होंने कहा था, अब देखते हैं बाकी टीमों में क्या होता है। खुर्रम मंजूर से ज़रूर बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करें, 3580-4224 पर कॉल करें, 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा और खुर्रम मंजूर से सवाल पूछिएगा। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम कैसे देखते हैं, पहले तो आते हैं, इंग्लैंड ने जिस तरीके से धोया आज यूएसए को, पाकिस्तान होता यूएसए की जगह तो मतलब अच्छा मैच होता, मैच अच्छा होता और पाकिस्तान भी सिचुएशन इसी सिचुएशन में होता कि अगर आपको नेट रन रेट अच्छा करना है, आपको उसको हराना है तो ये कशमकश चल रही होती। तो इंग्लैंड ने जो क्रिकेट थ्रू आउट वर्ल्ड कप खेली है तो ये चीज आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरीके, और क्योंकि ये चीज उनको रिक्वायर्ड थी नेट रन रेट के साथ जीतना जरूरी नहीं था, उनको नेट रन रेट बेहतर करके जीतना जरूरी था। सही। और एग्जैक्ट उन्होंने वही किया, खास तौर जितनी तारीफ कर ली जाए बटलर की जो उसने खेली है अनबिलीवेबल, और खासतौर जो उसने हरमीत को 5 छक्के मारे, कमाल की बैटिंग की है, उफ मतलब लगा ही नहीं, एफर्टलेस छक्के मारे, उसको लग रहा था अब ये बॉल इधर फेंकेगा तो मैंने टांग उतार के मिड विकेट मारना है, फुल लेंथ होगी सीधा मारना है, हल्की सी भार होगी मिड ऑफ के ऊपर से मारना है। इतनी कैलकुलेशन, इतनी उसको अर्ली रीड हो रहा था कि बॉल हाथ से निकलता था और वो अपनी पोजीशन में होता था। सही। तो ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इतना कमांडिंग खेल रहा हो और 21 गेंदों पे, मेन चीज ये आप ये चीज चेक करें, 21 गेंदों पे 83 बहुत अनबिलीवेबल, मतलब जितनी तारीफ कर ली जाए कम है एज ए लीडर और एज ए बैट्समैन, फिर जिस तरह की वो क्रिकेट पूरे वर्ल्ड कप में खेल रहा, फिर वो आईपीएल से उसकी फॉर्म एक शुरू हुई थी तो उसको वो कंटिन्यू कर रहा है, वे ऑफ प्ले कहीं ऐसा भी हुआ कि आपको रुकना चाहिए था वो रुका भी है, बीच वर्ल्ड कप में एक आध इनिंग उसकी ऐसी थी कि मेरी मौजूदगी जरूरी है, सॉल्ट मार रहा है उसको दिया है, स्ट्राइक दिए, पिछले मैच में देखे उसने क्या कैच लिया, उसने क्या रन आउट कैच, मतलब हर तरह से इन्वॉल्व है, उसके फेवर में जा रही है। दूसरी बात ये इनकी जो टीम की जो सिलेक्शन है 15 की बड़ी आला है, बहुत ही आला, मतलब हर चीज उठा के देख ले, पिछले मैच में जॉर्डन को बिठाया, आज खिलाया, आज खिलाया, आज उसको खिलाया, नहीं कहीं ये नहीं है कि उसको बिठाया तो बिला वजह बिठाया, पर्पसली बिठा के पर्पसली खिलाया, आज उनको चाहिए था इस तरह का जो डैमेज करने वाला हो और वो छक्के मारता है, आज उनको डूबाई नहीं आई, बारी नहीं आई,
वो मतलब उनका लग, अब सैम करन की जो टीम में एकदम से एंट्री हुई है उसको बैटिंग का एडवांटेज है, उसको चनाए ऐसी नहीं छोड़ती थी कि जी ये कहीं और चले जाएगा, चनाए लेकिन वो पंजाब की कप्तानी कर रहा था ना इस साल, वो उन्होंने रिलीज किया ना जब उसने डिमांड की होगी, देखिए प्लेयर की डिमांड होती है ना हर साल ग्राफ ऊपर जाता है, पंजाब की कप्तानी कर रहा था, पंजाब का वो एज ए लीड कर रहा था, फिर उसकी शिखर धवन की जगह बैटिंग बॉलिंग दोनों में फिर स्मार्टली प्लेयर एक तो फिट है, दूसरी बात ये कि आप कोशिश करते हैं कि जितना भी नया फेस सामने रहेगा उतनी आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, ये चीज तो नेचुरल की बात है, और इंग्लैंड टीम की इस टाइम बैकबोन आ रहा है बॉलिंग लाइन में कि बैटिंग में करता है, बॉलिंग में करता है, फील्डर अच्छा है, बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करता है, तो हर चीज उसके फेवर में। तो बटलर की जो टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सिलेक्शन थी ना वो जबरदस्त, क्लास, सारे बॉक्स उसने क्लियर किए, स्पिन बेहतरीन, दुख नहीं होता हमें, दुख नहीं होता कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, देखिए कर हम बहुत कुछ सकते हैं और करना चाहे, करना करना चाहे और करना चाहिए भी, अब क्यों नहीं किया वो खुद इनको पता चल रहा है, अब देखे ना वो टीम सुपर एट में खेल लिए, हम घरों पे बैठे हमें खुद अच्छा, हम तो चलो हम तो यहाँ बैठे बात कर रहे हैं लेकिन दुख हो रहा है, अगर जो खेल रहे उनको भी दुख होगा, ऐसा नहीं कि उन्हें दुख नहीं होगा कि हम काश खेल लेते यूएसए की जगह, तो अफसोस सबको होता है, मगर इन चीजों में जो बेटरमेंट आनी चाहिए वो अब भी नहीं आई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सही। मैं वो कोच का नाम अचानक मुझे याद है, जोनाथन ट्रॉट है इनका कोच, जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड का साबिक टेस्ट बैट्समैन है और लोगों को याद होगा जोनाथन, अच्छा ये जोनाथन ट्रॉट का मैं बता दूं ये थोड़ा टाइम से इनके साथ मर्ज है, काफी अरसे से और मतलब बड़ा, हालांकि कई पाकिस्तानी भी रहे, इंजमामुल हक भी इनके साथ रहे, राशिद लतीफ भी रहे अफगानियों के साथ, यूनुस खान भी कुछ अरसे के लिए बैटिंग कंसल्टेंट रहे, अब डिवाइन ब्रावो इनके बॉलिंग कोच है, और जोनाथन ट्रॉट आपको याद होगा वहाब रियाज के साथ इसकी मुंह मारी हुई थी इंग्लैंड के टूर पे, जोनाथन ट्रॉट और वहाब रियाज की, और आपस में बड़ी तर्क कलाम हुई। अब ये देखें ना मेन जो चीज है ना उनका जो अफगानिस्तान की, मगर बात कर लें इकबाल भाई, इनके अंदर एक चीज बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट, पूरी किसी भी टीम में आपको ना इनके जितनी नहीं मिलेगी, जब ये खेल रहे होते ना ऐसा लग रहा था बस कुछ कर दें जबकि मैच हार जाए, अब आज देखें हो रहा है नहीं हो रहा, आपसे बॉलिंग हो रही नहीं हो रही, बैटिंग हो रही, इनका जो जज्बा होता है ना वो नजर आता है, वो इनकी बॉडी से बोल रहा होता है, ये चीज हर टीम में, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड कर ले, इंडिया भी कर ले, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, नहीं ये चीज होनी चाहिए इनकी, इस ये जो एक बेसिक इनकी जो कामयाबी की वजह है ना वो जज्बा है, विल है, एक ओके बस करना है, कोई आउट हो उस पे जो सेलिब्रेशन करते हैं लोग, अब आज देखे ना आप गुलबदीन नायब, कोई सोच सकता था चार आउट कर गया वो और वो कप्तान था 2019 के वर्ल्ड कप में और उसको बाहर कर दिया था टीम से गुलबदीन नायब को, लेकिन आज वो चार कर गया, मैंने ये ड्रॉप था फिर ये वापिस आया है और इसको बोलते थे बस सही है ये, मतलब ना इतना एक्सप्रेस पेस है, बैटिंग भी ऐसे ही है, कोई खास नहीं करता, आज वही एक हीरो बन के सामने आ गया, और सबसे अच्छी चीज इनमें एक तो ये, दूसरी ये कि एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, इकबाल से, इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम उबैदुर्रहमान है, उबैदुर्रहमान क्या कहेंगे उबैद सर? मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड का और इंडिया अगर पहुंचते हैं तो आप इस मैच को किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान के बारे में आप बताएं कि आखिर हमारी टीम आज क्यों नहीं खेल रही थी इंग्लैंड के, वो तो आप हमारी टीम को होना चाहिए था और लेकिन आप इसकी जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है, हम किस पे जिम्मेदारी डालें, जिन पे जिम्मेदारी डालनी थी वो सब सुकून से बैठे, कुछ भी नहीं हुआ, आप बताएं ना कुछ हुआ वर्ल्ड कप के बाद, कोई पेशरफ्त हुई, सब अभी तक सिर्फ सुन ही रहे थे कि कुछ बहुत कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ और ना कुछ नजर आया। जो सर्जरी होनी थी एनेस्थीसिया नहीं मिल रहा ना कि जिससे बेहोश हो सर्जरी के लिए, तो वो मिल नहीं रहा, तो मजबूरन अब सर्जरी भी नहीं हो रही। ठीक है उबैद, आपके सवाल का जवाब लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फैसलाबाद से कॉल किया। देखिए ना एनेस्थीसिया मिल जाएगा तो शायद, लेकिन सब खुश हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि वाकई में देखें एज अ कॉलर एज अ क्रिकेट लवर उबैद को दुख हुआ ना कि हम क्यों नहीं पहुंचे, और वो इंडिया और देखे आज अमेरिका के साथ जो इंग्लैंड ने किया, मैं तो आज ये लफ्ज कहूंगा क्योंकि उन्होंने वाकई किया है, प्री प्लान जिस तरह उनको बैटिंग दी, आइए जी हमें जीतना है, हम चेस करेंगे, जितने जब इस तरह की कंडीशन में होता है ना तो आप चेस पे जाते हो अगर टॉस हार जाते जीतते हो, तो उन्होंने वो किया, मैंने कल बोला था वो चेस करेंगे, नेट रन रेट अच्छा, और उन्होंने अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर लिया। दूसरी बात ये इकबाल भाई, नेट रन रेट अगर इंग्लैंड का
1.992 इस पे ये क्वालिफाई कर गए तो इंडिया का तो 2.425 है। इंडिया का उधर है उस तरफ दूसरे ग्रुप नहीं, नहीं, नहीं इंडिया का मैं बता रहा हूँ ये तो डेफिनेटली कर गए होंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट्स इक्वल थे ना, देखिए इंग्लैंड के भी पॉइंट्स इक्वल है, साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट्स है, फिर आप देखें वेस्ट इंडीज के 2 है, उसका एक और चांस है। अच्छा मेन अब ये जो कमाल है ना वो ये देखने वाला है कि अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ मैच जीतना है और इंडिया से हाँ, और अफगानिस्तान का जो मैच है ना बाजार हल्का लग रहा है बांग्लादेश और बांग्लादेश टफ सुने जिस तरह बोला जाता है पाकिस्तान इंडिया तो इनकी काफी सीरीज ऐसी हुई है जिसमें वो कोई नागन डांस मशहूर हुआ था, इनकी आपस में लग गई थी, दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे थे, फटे थे बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ढाका में मैच था, शहजाद हुआ था हाँ, शहजाद ने वो जीतने के बाद सेलिब्रेशन क्योंकि बांग्लादेशी एक बॉलर ने आउट करने के बाद नागन डांस कुछ किया था तो वो इतना लग गया था जब इन्होंने मैच हराया उनको और सीरीज जीती तो पूरी टीम नागन डांस कर रही थी, मतलब इस तो लगा हुआ मैच होगा, लगा हुआ मैच होगा। और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं चाहेगा कि 2 पॉइंट तो पॉकेट में ले जीत के जाते हुए कुछ तो आंसू कुछ तो आए, और ये टीम ऐसी है ये इनसे कुछ कर सकती है हाँ, तो इतना आसान नहीं है। वहां ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना है और इंडिया 100% चाहेगा एक मुश्किल हरीफ बाहर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया बड़ी हरीफ है, बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन रहती है और हमेशा इवेंट के मेजर मैचों में डैमेज करती है। तो आपने जो प्रिडिक्शन की थी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया और भारत 4 की कितने मैंने की थी, 1 आ गई है, 3 आ जाएंगी। और मुझे एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज और अफ्रीका का जो मैच होगा ना मुझे लग रहा है अच्छा खेलते हुए आए और वेस्ट इंडीज इन्हें एक मैच से बाहर कर देगी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका चोकर्स जो इन पे हाँ, लगा हुआ उस मैच से ये बाहर हो जाएंगे क्योंकि अभी तक ये बचते बचाते चल, जीते हैं आ रहे हैं 6 मैच कंसेक्यूटिव जीते मगर कोई भी ऐसा नहीं जीते जैसे इंग्लैंड ने आज जीता मतलब नहीं है, करीब भी नहीं था। ठीक है एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान रोज आपकी कॉल मिल जाती, कैसे हैं आप? जी नुमान जंजुआ नाम है आपका, नाम नुमान जंजुआ है। जी जी नुमान जंजुआ बात कर रहा हूँ, याद रहता है आप क्या कहेंगे। जज़ाकल्लाह सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अफगानिस्तान से हमें ना अब अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, हमारी तो अब अफगानिस्तान से भी बुरा हाल है हमारी क्रिकेट का। और अफगान जो है उनके लिए मेरा ये कहना है कि यार आप इंडिया के साथ जब खेलते हो तो बड़े बिल्कुल फ्रेंडली होके खेलते हैं, उन्होंने उनको जीत से कोई गर्ज नहीं होती है। पाकिस्तान के साथ जहां पे उन्होंने इस्लामाबाद में पिशावर में सारा क्रिकेट खेली है उनके प्लेयर्स ने, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर उनकी एक हीट चल रही होती है। वो ऐसा क्यों ये लोग करते हैं, दूसरी टीमों के खिलाफ बहुत जान लगाते हैं, इंडिया के खिलाफ जान नहीं लगाते भाई। इंडिया इनका होम ग्राउंड है, आपको पता है पहला टेस्ट मैच अफगानिस्तान ने इंडिया में खेला, भारत में खेला, और भारत उनका होम ग्राउंड है टेस्ट क्रिकेट के नुक्ते निगाह से, क्योंकि उनके पास तो ग्राउंड है ही नहीं ना, तो होम फिर उनकी टीम का नाम अफगानिस्तान से चेंज करके इंडिया बी या कुछ और नाम उनका दे देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से खेलेंगे तो फिर सर ये मजा नहीं। ठीक है आपने अपनी राय का इजहार कर दिया, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे। और अफगानिस्तान जब इनिशियल डेज में था तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का वनडे टूर्नामेंट होता था उसमें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे मैचेस हो रहे थे। उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फैसिलिटीज़ फराहम की, वहाँ वो प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और ये जो राशिद खान है उनके लेग स्पिनर, इनका पूरा नाम है राशिद खान अरमान, और ये इस्लामिया कॉलेज पिशावर में पढ़ा करते थे और फिर उसके बाद वो जब अफगानिस्तान चले गए, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन से, आज जो मैचेस हुए। खुर्रम जो अफगानिस्तान का मैच हुआ, आप देखें जो आप पहले कहते थे आपकी बात बिल्कुल हर बार दुरुस्त साबित हुई कि अगर रहमानुल्लाह गुरबाज रन करेगा तो अफगानिस्तान का पल्ला भारी रहेगा, और आज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान 118 रन की ओपनिंग पार्ट। सोचे 118 पे पहली विकेट गिरती है और 148 आप 141 पे रैप अप हो जाते हैं, मतलब आप सोचे ना ये सही है अच्छी क्रिकेट खेल रहे, डेंजरस बने हुए, अनप्रिडिक्टेबल बने हुए, अच्छी टीमों को हरा रहे, मगर गिर
दो तीन बंदों की घूम रही है क्रिकेट। अभी इसमें मुजीब अगर होता, ओए होए सर मजा आ जाता। और तो बड़ा जबरदस्त बॉलर है, वही तो बोला ना राशिद के साथ मुजीब होता। 30 रन पर इनकी पांच विकेटें गिरी है 118 के बाद। बोलता रहो ना आप 118 के बाद एकदम से आप 141 पे आप बिल्कुल ही क्लैप कर गए। कहीं से 30 गेंदों पर 30 रन तो बनते हैं। आप 5-15 आप इससे अंदर लगाए 15.5 ओवर्स में इनकी पहली विकेट गिरी है। वही तो, उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिर गई। आप 4 ओवर में आपने 20-22 रन। ये स्कोर कार्ड अगर खुर्रम आप देखें, अब ये देखें ना अभिषेक दाला गुरबाज के 60, इब्राहिम दादरान के 51 और उसके बाद किसके 51 जो है ना ये गुरबाज को क्रेडिट जाता है, उसने खिलाया उसको, खिलाता है वो, डेवलप कर रहा है। और ये अच्छी चीज है, ये ना ये उसको खेल खेल के एक्सपीरियंस हुआ है। एक तो बिटवीन द विकेट रनिंग इन दोनों की बड़ी अच्छी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान के खिलाफ याद है श्रीलंका में जो इन दोनों की पार्टनरशिप हुई थी, यही मैं बोला ना। और उसके बाद देखें ऑस्ट्रेलिया जैसे हरीफ के लिए ये टारगेट कुछ भी नहीं है। मगर वही सोच रहा था कि 149 तो वो इतना बैटिंग पावर हाउस ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें हेड वार्नर स्पाइनर्स अच्छा मैक्सवेल, अच्छा मेन चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया का भी अगर मिडिल देख लेना, अगर मैक्सवेल पहली 50 की उसने और उसके अलावा टिम डेविड वो दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो, उनकी गुड बुक वही है कि भाई ये उफ ये कर देगा। अभी तक कुछ नहीं किया उसने ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से आया, वो सिंगापुर से आया पता है, वो लाहौर कलंदर लेकर आया था टीम डेविड को, लीग्स में कर रहा है खेल रहा है वहां पे भी कंसिस्टेंट नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया से तो अभी तक इसको करते हुए देखा ही नहीं गया। और ये रिकमेंडेशन कप्तान की रिकमेंडेशन, पिछला वर्ल्ड कप खेला था ये जिसमें फ्रेंच कप्तान था कि मुझे ये चाहिए, और इस मरतबा मिचेल मार्श ने लिया, अब उन्होंने इसको लिया दोबारा। और अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में इसकी एक एक्सक्लूसिव इनिंग नहीं देखने को मिली जिसपे इसने कोई 20-22 गेंदों पर 70-80 किया हो, जिसके लिए ये मशहूर है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कहते हैं इकबाल भाई। मैं खैरियत से, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर जीशान बात कर रहा हूँ कराची से। जी आपने पहले भी कॉल की थी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर। जी 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 जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं। खैरियत से, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर मैं खुर्रम भाई की बात तो अभी सेकंड करूंगा, जो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने बात, उनके जज्बात एहसास तो देखिए ग्राउंड में क्या नजर आ रहे और वो पता चल रहा था सर कि वो टीम वाकई यकजा होकर खेलने के लिए आई है। एक हम लोग हैं जी सर, हम लोग की तो मिसाल मैं अभी वही देना चाहता था, हम तो दोस्ती यारी में मारे गए। वो एक बहुत जबरदस्त शेर है, मैंने पहले भी सुनाया था कि हम तो दोस्ती यारी में मारे गए, तो दोस्ती पे ही मुझे शेर याद आ गया कि दोस्तों की सितम जरीफी को हम फकत अपनी सादगी समझे और दोस्त मेरे खलूस को अक्सर मेरा एहसास से कमतरी। सादगी कहाँ थी, चालाकी थी दोस्तों सर, की सितम जरीफी को हम अपनी चालाकी समझे। हाँ सर वो चालाकी है बिल्कुल ऐसे ही सर, वही वाली बात है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सही है, वो तो लुट चुका सर, वो तो खत्म हो चुका, मैंने तो उस बारे में कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। तो लेकिन सर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत जबरदस्त उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है और हमारी क्या बॉडी लैंग्वेज। और कैचेस भी आपने देखा आज डॉक्टर साहब, उन्होंने कितने कमाल के कैचेस लिए, बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर जो पकड़ा है, नूर अहमद ने कैच लिया, ग्लेन मैक्सवेल का है, गुलबंदी नायब ने कैच लिया, कमाल के कैचेस लिए उन्होंने। और वो देखिए 4 विकेट ले गए, वही खुर्रम भाई जो बात कर रहे हैं कि उसको खिलाया नहीं जा रहा था और बॉलर उनका 4 विकेट ले गए। और ये कप्तान था 2019 के वर्ल्ड कप में गुलबंदी नायब के वर्ल्ड कप में। सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि कोई बेहतरी आए टीम में और हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आप सुना है कि सरफराज भाई को कोई प्लान है रखने का, अल्लाह करे कि उस जैसा क्रिकेटर वाकई टीम में आए जो वाकई हौसला देता। नहीं मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब उसको वनडे या T20 में रखेंगे, ये अभी टेस्ट सीरीज में अलबत्ता सरफराज को रखेंगे जो दो जी। वो ईशान भाई ने तो कहा है कि जी सरफराज को लेकर जाना है, तो देखिए हम सरफराज टेस्ट में होंगे। ठीक है, माशाल्लाह 37 बरस के हो गए सरफराज माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल हो गए सर, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा एक ठीक है साथ रखने वाला इंसान है सर। ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कराची से कॉल किया। और मुझे तो नहीं लगता कि वाइट बॉल क्रिकेट में सरफराज को ये लेकर आएंगे, इनके पास इतने विकेट कीपर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आजम खान चले नहीं है, हारिस है, हसीबुल्ला है। मैं है? तो देखें इकबाल भाई विद रिस्पेक्ट सारे मेरे क्रिकेट कोलीग्स हैं और मैं खेल रहा हूँ, तो विद रिस्पेक्ट हर प्लेयर की रिस्पेक्ट है। हाँ परफॉर्म कम ज्यादा होता है, अगर मैं हक की बात यहाँ बैठ के ना बोलूँ ना तो मुझे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट वो जो सच नहीं पता लोगों को, डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक में अभी हसीबुल्ला जिस तरह परफॉर्म कर रहा है सर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, किसी बड़े शहर का होता वो टीम में होता। उसकी ये मैं बहुत बड़े लफ्ज बोल रहा हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, उसको
उसको रेट ही नहीं कर रहे, उसको न्यूजीलैंड लेके दौरा करा के लिया, उसको रेट ही नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, उसको वहां देते हैं बिल्कुल टिट एंड टाइट, बिल्कुल टाइट देते हैं कि यहाँ कर लिया तो सर्वाइवल है वरना वापिस हो। सही। और मैं बता रहा हूँ वो बच्चा ऐसा है, उसको प्रॉपर मिला वो आगे जाए, जगह बना लेगा। वो तीनों फॉर्मेट वाला प्लेयर है, उसको अभी आना चाहिए क्योंकि अब चेंजिंग्स होंगी। और ऐसे नहीं बोल रहे, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, उसकी अभी तीनों फॉर्म में रन है, कीपिंग में अलग है और बैटिंग में अलग रन कर रहा है। फिर उसको नंबर का इशू नहीं है, है वो ओपनर, लेकिन वो वन डाउन भी खेलता है, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर खिला लो जल्दी से, वो छह सात नंबर खेल रहा है, भाई मुझे खिलाओ, मैं इस पे कोशिश करूंगा, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी वो मुझे बता दो, चक्के मारने में कोशिश करूंगा, वो दिख रहा है। देखिए भूखा ही खाना खाता है, पेट भरा बिरयानी में कीड़े निकालता है, नमक तेज है, मिर्चे तेज है, ये नहीं है, यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसलिए जो अभी नीडी हैं, जिनको क्रिकेट खेलना है, जिनको एक्चुअली मुल्क के लिए खेलने के लिए तड़प रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। हरगिज कहने का मकसद नहीं है 15 चेंज कर दें, कहीं भी नहीं होता, जो लगता है कि जो फिट एंड फिट हो सकता है आप उसको करें। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? से बात करूं आसिफ शाह। कहां से? आसिफ शाह बात कर रहा हूं। अच्छा आसिफ शाह साहब, जियारत से, जेलम से। जी, मैं तो यही कहता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए सर। टीम इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए, काफी सारी तब्दीलियां होनी चाहिए, सरफराज को लाना चाहिए। अच्छा, टेस्ट मैच में? जी, वन डे भी लाना चाहिए, 20 में लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपकी हमने बात सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ शाह साहब, आपने हमें कॉल किया। लोग हर एक की अपनी अपनी राय है ना। और आपने जो बात की ना सरफराज, ये टेस्ट सीरीज में होगा दोनों। देखें अगर देखा जाए, सरफराज ने जो कराची में श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, और न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड जिसमें ये प्लेयर ऑफ द सीरीज बना था, न्यूजीलैंड के दो टेस्ट मैचेस थे, दोनों बचाए थे, कमाल इनिंग खेली, कमाल लीडी, और वो उसकी कमबैक सीरीज थी। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, ये खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो, बिठा दो, ये कर दो, मतलब जो चलता है, मतलब डीप में नहीं जाना। लेकिन अगर अभी आप ये पांच टेस्ट मैच है ना, तो आप टीम रीबिल्ड की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसके लिए सारे आप उठा के नहीं डाल देंगे, आप पांच छह होंगे, दो तीन मिड में होंगे, दो तीन सीनियर होंगे, तो इस तरह टीम बिल्ड हो जाएगी। आपने देखा वहां श्रीलंका में जो टेस्ट हो रहा था, अगर थोड़ी देर बाद सरफराज के कंकशन रिप्लेसमेंट ले लिया रिजवान की सूरत में, तो क्या प्लेयर इनकी आंखों में खटकता है कि जल्दी से जान छोड़ाओ किसी तरीके से, पता नहीं है? अच्छा एक चीज ये है ना इकबाल भाई, उस मैच के अंदर उस बेचारी सरफराज की कंडीशन क्या थी एक्चुअली, तो उसकी क्या थी, अगर वो इंटरेस्टेड था फिर भी ले ली तो फिर गलत है, मगर जिस तरह वो बैठा हुआ था और दिखा रहे थे कैमरा पे, मुझे लग रहा उसके पेन ज्यादा था। अच्छा, तो इसलिए रिप्लेसमेंट। हाँ, ये हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगर हम एक नजर डालें पॉइंट्स टेबल पर दोनों ग्रुप्स के, तो हमें अंदाजा हो जाएगा, अगर आप देखें कि भारत की टीम के चार पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका एक मैच अभी बाकी है, और उसका नेट रन रेट सबसे बेहतर है, इन आठ टीमों में सबसे बेस्ट। एक बार में मुझे लगता है इंडिया अगर हारती भी इन केस, तो इनके नेट रन रेट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 2.4 समथिंग है, तो फिर बाहर कौन होगा? अफगानिस्तान बाहर होगा। अफगानिस्तान अगर मैच हारती है इंडिया, तो अफगानिस्तान स्टेट बाहर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ मैच जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भी पॉजिटिव है प्लस में, क्योंकि अफगानिस्तान माइनस में है ना, देखें -0.650। बांग्लादेश तो खैर अब अपने घर जाने की तैयारी करेगा, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बांग्लादेश अफगानिस्तान का लगा हुआ मैच होगा, ये थोड़ी शेरो शायरी चल रही थी, तो यहाँ पे शेरो शायरी का थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबे होंगे। और फिर उसके बाद आप दूसरा जो ग्रुप टू है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट, बड़ा मैच तो बाकी है, कौन सा? बड़ा, ये साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का बड़ा मैच, ये एक्चुअली सेमीफाइनल है, बस यहाँ यूएसए को देखकर मेरा दिल जो है वो बेचैन होता है कि यहाँ पाकिस्तान होने थे इधर इस ग्रुप से, और यूएसए तीनों मैच हार गया, बहरहाल उसने पाकिस्तान की पार्टी तो स्पॉइल कर दी, मगर ये है यूएसए के लिए क्लैप कि उन्होंने थ्रू आउट जर्नी वर्ल्ड कप की वो 20 टीमों से लेके सुपर 8 तक एक्सीलेंट, और ये इस चीज के हकदार हैं, और हैट्स ऑफ है इन लड़कों को, इन्होंने जितनी अच्छी क्रिकेट खेली। हालांकि उनका कप्तान अनफिट हो गया था, वो मनोज पटेल और एरन जोन्स कप्तानी कर रहा था, इनएक्सपीरियंस प्रोफेशनल, टू मच प्रोफेशनल, टीमों से मैचेस हो रहे हैं, सुपर 8 में आगे उनके खिलाफ आप मार रहे हो, जिन बॉलिंग लाइन को इन्होंने पिटाई लगाई है,
मतलब सोचते हैं कि यार ये फलाना मिचेल स्टार्क के खिलाफ खेल रहे, अब वो बेचारे वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहाँ पे मैच भी खेल रहे हैं, वीक में 3-4-5 मैच खेल रहे हैं, सडन वर्ल्ड के बेस्ट बॉलरों के खिलाफ आप खेल रहे हो एक टीम बनी। लेकिन इंग्लैंड खुशकिस्मत नहीं है, खुर्रम के 3 मैचेस में से 2 जीती 4 पॉइंट्स और सेमीफाइनल के लिए। सर ये गलत बात कर रहे हैं, 4 में से 2 इंग्लैंड हारी है। इंग्लैंड ने जिस तरह क्रिकेट खेली उस टाइम नहीं बोला आपने जब स्कॉटलैंड वाला मैच बराबर बारिश की नजर होगी और ये ज्यादती हो रही है, और फिर इंग्लैंड नजरे लगाए हुए तो ऑस्ट्रेलिया पर, क्या ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा तो इंग्लैंड सरवाइव करेगा। देखे ना कितनी चीजों कहां से कहां पहुंचते हैं, और ये 8 में भी नहीं आ रहे थे। हाँ, वही तो, और सबसे पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। इसको कहते हैं विल, इसको कहते हैं प्लानिंग, इसको कहते हैं अपनी अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना। हमने भी तो सबसे पहले वापसी का रास्ता क्वालिफाई किया। सुपर 8 पे बात कर ले, बताए ना, दुख होता है, मेरा तो दिल दुखता है ना कि हमने, मेरा भी दुख हुआ है, सबसे पहले क्वालिफाई किया, हमने सबसे पहले घर जाने का रास्ता जो अख्तियार कर लिया। ओमान हमसे पहले, ओमान ओमान का और हमारा मुकाबला नहीं है। आपने बोला सबसे पहले कौन बाहर जाने का था, तो मैं बता रहा हूँ हमसे पहले ओमान। इनको पता नहीं होगा वरना तो ये और उससे पहले आ जाते। ठीक है, आप सही कह रहे। अच्छा, अब अगर एक कॉलर है पहले तो हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई कॉल। इसके अलावा अगर हम देखें अब तो जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होगा या इंडिया? मेरा ये मानना है जो स्मार्ट टीमें होती है ना वो ये सब चीजें देखती है। अब आप अपनी तरफ से क्लियर हो गए हो, इस मैच में वो जोर लगाएंगे ऑस्ट्रेलियंस। हाँ, नहीं नहीं इंडियंस। अच्छा, कि एक बड़ा हरीफ बाहर हो जाए। ये टीम वो है जो चैंपियन चैंपियन के लिए कंसीडर की जाती है। फायदा क्या होगा, सेमीफाइनल तो उसका इनसे नहीं होगा। नहीं, नहीं नहीं समझ नहीं ना, फाइनल तो हो सकता है। हाँ, फाइनल की बात सही, और लास्ट फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इन्हीं को मारा है, ये नहीं आप भूले इंडिया में। हाँ, तो वो चीजें भी जहन में रखते, एक अच्छा हरीफ हमारे हाथ में फंस गया, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फाइनल हरा, एक हरीफ हमारे आगे फंस गया है। हाँ, अब हम अगर हराते हैं तो ये घर है। हाँ, तो क्यों चांस नहीं लेंगे, वो अपनी बेस्ट टीम खिलाएंगे ताकि ये बाहर यहीं से हो जाए। एक तो बाहर होना यहाँ से, बाकी 3 देख लेंगे हम। चले इस पर मजीद बात करेंगे, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शहबाज अख्तर मेरा नाम है, डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ सर। जी जी शहबाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अर्ज ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम है, ग्रेट नाम है, वसीम अकरम साहब हैं, और उसके अलावा जवेद मियां दाद है, और भी बहुत बासकली है, ऐसे से बड़े नाम है, कोचिंग के लिए बाहर से मुल्क से बोलो बुलाते हैं, ये हमें हमारी समझ से बाहर है, आप ही समझा दें हमें। और दूसरी बात ये जो फखर जमान इतना बड़ा हिटिंग करने वाला और इतना बड़ा जबरदस्त ओपनिंग करने वाला, उसके हद इतनी ज्यादती हो गई है, उसे तीसरे नंबर पे कभी चौथे नंबर पे कभी पांचवें नंबर पे। खुद कहता है जनाब कि मैं जो ना शहबाज साहब, वो कहता है कि मैं चौथे पे फिट हो गया हूँ, मैं सेट हूँ चौथे पे। सर ये तो शहबाज वो कह रहे हैं मजबूरी का नाम, शुक्रिया से पता टीम से बाहर जाने से बेहतर है चौथे नंबर पे भेजे, मगर उसके साथ हो तो जाती रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये तो इससे खुर्रम भाई से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें कि कप्तान साहब से जाए, ये यार मुल्क से जो सबसे बड़ी तैयारी होती है मुल्क वतन के साथ, इससे बड़ी यारी और क्या होगी आपकी, आप ये इन यारियों को छोड़े, यारी मुल्क से निभाए। साबिक कप्तान होने दे फिर बात करेंगे उनसे। ठीक है, अभी तो कप्तान है ना, अभी जब साबिक कप्तान अभी, अभी इसलिए कह रहा हूँ बाबर आजम को, इसलिए कह रहा हूँ खुदारा मेहरबानी करे कि मुल्क से यारी निभाए। ठीक है, ये हरिद्वार वगैरह की यारी नहीं, इनसे यारी निभाए मुल्क से। चले बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, वो कह रहे हैं आप खुर्रम साहब जो बाबर आजम साहब को बताएं कि मैं अपना केस लेके नहीं गया, इतनी परफॉर्मेंस करके कहीं कंसीडर नहीं किया, तो मैं दूसरे का क्या मुल्क से यार नहीं कह रहे, मुल्क वो प्लेयर का नहीं कह रहे, कह रहे मुल्क से दोस्ती यार नहीं, वो तो देख रहा है और कहीं ना कहीं करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जब आप सिलेक्शन 11 जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, 11 सही नहीं खिलाएंगे तो सवाल उठेंगे, वो बेसिकली 11 सही की बात। अब देखें अफगानिस्तान को मुजीब का सेटबैक हुआ, उन्होंने फिर भी अपनी टीम को सेट किया 11 खेल। मेन जो चीज है ना, आप देखें कभी ये स्क्वाश, मैं बार बार बोलता हूँ टेनिस स्क्वाश बैडमिंटन नहीं है कि आप ही हीरो आप ही जीरो। ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, आपको हेल्प चाहिए होती है, एटलीस्ट 3 प्लेयर आप जिस मैच जीतते हैं ना जो उसमें 3 परफॉर्मर होते हैं, वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, सिंगल हैंड नहीं होता, अगर 100 भी किया है ना तो बॉलरों ने आउट किए तो आप जीते हो भाई। तो इसी तरह 3 परफॉर्मर चाहिए थे, आपने खुद बनाई और उसको आपने कोशिश की अच्छा करने की, नहीं हुआ सिलेक्शन में, हमेशा 11 सिलेक्शन में प्रॉब्लम रही है अबरार के नाम, फिर बैटिंग ऑर्डर A to Z, मतलब आप 5वें के बाद देख रहे होते थे इमाद आएगा, शदाब आएगा, अच्छा शाइन को भेज देते हैं,
तो मतलब जहां पांच के बाद ये चीज शुरू हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन सही है। मुझे बताएं ना, कम से कम छह बैट्समैन तो होते ही हैं, फिर आप ऑलराउंडर बोलते हैं या हिटर बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी कह लें आप, पांच के बाद ढूंढ रहे थे हमारे पास बैट्समैन कौन है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिर्जा साहब क्या हाल है? मैं खैरियत से, कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? सरगोधा से बोल रहा हूँ, राणा खालिद, पुराना कॉलर हूँ। अच्छा जी जी, बोलिए राणा साहब, क्या कहेंगे? सर ठीक ठाक। अच्छा सर, सवाल ये है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाबर आजम साहब को, मतलब एक आम बंदे को भी पता होता है, आप पांच ओपनर लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में ना, और उस पांच ओपनर से आप वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं, आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, और पिछले वर्ल्ड कप में नवाज साहब को इन्होंने करा, फिर शादाब को, शादाब की मुझे समझ नहीं आई आज तक कप्तान, वो तो हमें भी नहीं आ रही समझ में। हाँ तो ये कप्तान इनको क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? और दूसरा सर जी सवाल ये था कि हमारा जो डोमेस्टिक है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे खेलते हैं दो क्रिकेट अंडर 13-14 ना, तो यहाँ पे उनको मैच खेलने के लिए ना ग्राउंड नहीं है, ये अपने ग्राउंड, जो ग्राउंड होते हैं ना वो खुद अरेंज करते हैं, एक ग्राउंड में घास ही नहीं है, बच्चे खेलेंगे नहीं करेंगे, इनको निचले लेवल पे काम करना चाहिए जहाँ पे ग्राउंड हो, ग्राउंड ही नहीं है। बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, है ना, आप ये बिल्कुल नहीं है, डोमेस्टिक कुछ नहीं पड़ा आपके, डोमेस्टिक फारा है आपकी। ठीक है, ये खुरम मंदूर से पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सरगोधा से किया राणा साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट का वो कह रहे हैं ग्राउंड भी नहीं मिलते, जो फैसिलिटीज है आप समझते हैं, आप तो खेलते हैं आपको पता है। ये तो बहुत अपने करीब की बात कर रहे हैं ना, जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इनके बच्चों ने। मैं आपको बताता हूँ हालात ये थे, मगर नाम नहीं लूंगा सर, वो डिसरिस्पेक्ट होती है। मैं करंट क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, एक साहब ने मुझे डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में स्टेडियम के बाहर लाइन में लगवाया, स्पेशली कि भाई बोर्ड से आया, आपने डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने, तो फिर आप पाकिस्तान के कैसे खेल गए? मतलब अफसोस मुझे ये हो रहा था, और मुझे वहां हमारे जो ट्रेनर है इमरान, उन्होंने मुझे देखा लाइन, मैं लिटरली मेरे आंखों में आंसू थे कि ये पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर की औकात है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में खड़ा हूँ स्टेडियम के बाहर। तो ट्रायल क्यों ले रहे थे? ओपन ट्रायल लेंगे हम भाई, पागल हो गए जो ये एग्जेम्प्टेड। और उसके अलावा ये मैं दो साल पुरानी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपके लिए स्पेशली आया हुआ है, सारे टेस्ट प्लेयर आएंगे, मेरे बाद जो अगला लगना था ना वो लाइन में लगना था सर शफीक, बताइए 90 टेस्ट खेला हुआ, मतलब शर्म, मुझे आज तक मैंने ये बात ऑन एयर नहीं कही है, मैं बता रहा हूँ ये हालात है। वो जो रो रहे हैं ना, जिन्होंने अभी कॉल पे बोला है कि मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे, वो सही बोल रहे हैं, बताइए। जब टेस्ट प्लेयर डिस्ट्रिक्ट के नेशनल स्टेडियम के बाहर, हमें अलाउ नहीं था अंदर आना, बताइए। आप ईमेल करें, टेस्ट प्लेयर ईमेल करेगा, फिर वहां से मैसेज आएगा, फिर आप परमिशन होगी तो अंदर जाएंगे। कितने अफसोस की बात है, मतलब फिर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की क्यों नहीं हो रही। सही सही, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा, मेरे को रोने की आदत नहीं है ना, मैं आज कितने 23 दिन हो गए, पहली दफा बात निकली है, वो भी कॉलर की बात से मैंने बात की है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता। डोमेस्टिक पे तवज्जो किस तरह दी जाएगी, पीसीबी बहुत अच्छे से जानता है, पीसीबी के पास सारी फैसिलिटीज है, लोग हैं, ऑर्गेनाइज करना इनका काम है, और ये डोमेस्टिक पर तवज्जो देंगे टॉप जो है खुद बेहतर हो जाएगा। सही, इसको इज्जत देंगे, इसके परफॉर्मर को इज्जत देंगे, इसकी क्रिकेट को इज्जत देंगे, तो ऊपर की टीम खुद बेहतर हो जाएगी। ठीक है राणा साहब, आपने जवाब सुन लिया, सरगोधा से राणा साहब ने कॉल किया था, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आ गए। जोश जगा दे में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप थोड़ी सी बात करते हैं कल जो मैच है खुरम, एक तो मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है कल, तो किसका मैच है, ऑस्ट्रेलिया और उसका इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, और नहीं ऑस्ट्रेलिया के बैक टू बैक दो कैसे मैच है? नहीं ऑस्ट्रेलिया का नहीं है कल, ऑस्ट्रेलिया का बैक, किसी के भी बैक टू बैक तो मैच ही नहीं है सर। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, अभी हम निकालता हूँ मैं इसमें तो। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जातियात पे ना आए, मैं केस कर दूंगा, इस तरह का जवाब देना चाहिए? नहीं, उनको उनकी जातियात पे कौन गया, उनके भी चलेगा कि मुबशिर लुकमान गए? नहीं नहीं, वो उनकी जातियात पे नहीं गए, लेकिन उनकी चूंकि अहलिया जो है वो कुछ हुआ इनका, इसलिए कुछ इससे रिलेटेड मैंने ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट भी डाली थी, तो कुछ हुआ है, तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने शायद उनको उस पे केस वेस किया है, उनपे जिन लोगों ने उनके ऊपर अभी केस तो नहीं किया, अभी तो अभी आपको पता है कि अभी नजर ही नहीं आया कि कब क्या क्या सिचुएशन है, केस तो नहीं किया अभी।
तो अब देखते हैं। खैर मैंने पहले भी हमने और आपने इस प्रोग्राम में बड़े रिक्वेस्टिंग मूड में कहा था सबसे कि अब पाकिस्तान की टीम हारी है और हमें भी अफसोस है एज ए पाकिस्तानी और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, दिल हमारा भी दुखा है, मगर तहजीब का दायरा रखते हुए आपको जो करना है करें और क्रिकेट पे बात करें जो मैच जीते या हारे। आज एक ही मैच है, आज एक खुरम मैच जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का सर, वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच होने वाला ही है। मैं जो कह रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तो और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ से साउथ अफ्रीका का अपने घर वापस चला, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊं। टीम अगर मुसलसल जीती जाती तो एक वक्त ऐसा, नहीं देखें देखें ऐसा है बोला जाता है, मगर ये कोई जरूरी डेड एंड नहीं है। ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे तो जीत रहे हैं। आई होप कि इस दफा ये गलत साबित करें। मुझ समेत पता नहीं कितने लोग हैं जो इनको सब बोलते हैं कि यार प्रेशर के मैच में आगे चोक कर जाते हैं, तो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग, तो ये अच्छी क्रिकेट खेले और जीते हैं। मगर मेरा वोट जो है फिलहाल वो वेस्ट इंडीज की तरफ, वेस्ट इंडीज के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे एक बात, सब क्या हाल है? मैं खैरियत से हूँ। कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाफिज हुसैन अहमद बात कर रहा हूँ, भक्कर शहर से। जी जी हाफिज साहब, क्या कहेंगे आप? सर मेरा खुरम मंजूर से सवाल है कि हमारा मिडल ऑर्डर कब मजबूत होगा, जैसे यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, सर ये ऐसे लोग कब पैदा होंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। किसी दौर में विल्स कप होता था, यहाँ से खिलाड़ी निकलते थे, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक। सर मैं डिसेबल हूँ, ब्लाइंड हूँ और मैं सिर्फ 87 से क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं हाफिज साहब। आपने मिडिल ऑर्डर के हवाले से पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भक्कर से कॉल किया हाफिज हुसैन साहब। और हम क्या कहेंगे, मिडिल ऑर्डर कब बेहतर होगा? चांस देंगे ईमानदारी से? देखें मिडिल ऑर्डर तब बेहतर होगा जब मिडिल ऑर्डर खिलाएंगे, टीम में सेलेक्ट करेंगे। पहली बात, छह ओपनर किसी भी टीम में नहीं होते, पांच ओपनर, पांच सर छह क्यों गिनने आप? मैं चुप हूं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, उस्मान खान। फखर जमान के बाद उस्मान खान आ गया। छठा कौन सा? एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। नहीं है, पांच छह ओपनर है, पांच नहीं, तीन कीपर, पांच छह ओपनर। अच्छा, जिस टीम में पांच छह ओपनर होंगे और आपको ये पता है बहुत अच्छे से, तो किस तरह वो टीम आउटपुट बैलेंस ही टीम का नहीं बन पा रहा। सही है, अगर आप चाह भी रहे मिसाल के तौर पे कि भाई नहीं, हम उसने बात करी है, उसने बोला मैं खेल, देखिए खेल लूंगा अलग बात है। हाँ, और उसको मतलब आप देखिए, और मैं एक चीज बोलता हूँ, परफॉर्मर की बनती है, ये नहीं कि यार ये डायरेक्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, उमर अमीन जितनी जबरदस्त फॉर्म में इस पूरे थ्रू आउट सीजन में रहा है। लेकिन आप उमर अमीन को वो कैंप में भी तो रख लिया ना शाहीन का, ना लोग कह रहे हैं 35-36 साल के उसको फिर वही वही लोगों की अप्रोच जो ये बोल रहे हैं ना भाई, उमर अमीन की पहले फिटनेस देखें फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें। ये एज वेज है ना, शोएब भाई अभी भी खेल रहे हैं भाई, दुनिया के मिसबा खेलते रहे, मिसबा भाई खेलते रहे, यूनुस भाई खेलते रहे, जो फिट है शायद भाई अभी भी लेके खेलते हैं, फिट है ना यार। अगर वो इतने पेट लेके जाएंगे उनको भी पता नहीं खेला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है उमर अमीन हो गया, तैयब ताहिर हो गया, हुसैन तलत था, शोएब मकसूद को अगर देखा जाता वो था, और सलाउद्दीन उस्मान, चले उस्मान को तो T20 में बोलते नहीं है ना, वनडे बहुत अच्छा प्लेयर है, वनडे और टेस्ट का तो बहुत ही अच्छा है, वनडे का भी रेटेड प्लेयर है, मगर T20 में उसको कंसीडर नहीं करते, चले उस्मान को नहीं आप करें, मगर ऐसा नहीं है कि काल पड़ी भी है, क्लियर है, उनको खिलाना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद इस्लाम बात कर रहा हूं अहमदाबाद से। जी इस्लाम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरफराज मतलब कि कितना बेहतरीन ऑप्शन है इनके पास ट्रॉफी के अंदर, अगर जो वो मिडल ऑर्डर में मतलब सिंगल डबल भी करता है, 50 से 55 बालों पे वो 50 कर जाए तो कितनी जबरदस्त उसकी मतलब परफॉर्मेंस है। और दूसरा की शदाब खान जो है सर, ये मतलब एक नेशनल इंटरनेशनल टीम है और उसके ऊपर मतलब कोई मजाक हो रहा है ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं देखने वाला कि यार उसकी 2023 में भी उसकी इतनी मार पड़ी है और वो ना फिर बैटिंग ना बॉलिंग मतलब कि क्या मतलब समझ नहीं आ रहा कि कोई नहीं देखने वाला है इसको। शदाब खान जो देख रहे हैं वो कहते हैं उसमें टैलेंट बहुत है ना कहीं टैलेंटेड प्लेयर्स कभी ना कभी बैड पैच से बाहर निकल आएगा सर। बैड पैच है आजकल, ठीक है
चले बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब, आपने अहमदाबाद से कॉल किया। वैसे वाकई में शादाब खान पे प्लेयर अच्छा है, इसमें नो डाउट, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, जब आप दो तीन साल से कुछ नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना। आज सवाल उठाने का मकसद क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस पे लोग बोल रहे हैं, कॉलर भी अगर कोई कह रहा है, वो कोई जानने वाला तो है नहीं भाई। वो अपने उसने देखा भाई ये चल रहा है, तो उसने बोला ये परफॉर्मेंस है, इस पे मुझे बताओ ना शादाब खान का रोल क्या है। आप टीम में एज ए लेग स्पिनर हो, आप बैटिंग कर रहे हो, फिर बैटिंग में भी आपसे नहीं हो रहा क्योंकि बैट्समैन नहीं हो आप, तो सवाल उठेंगे। कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है, मगर आपकी परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखा जाए, प्लेयर का पता होता है कि मैं क्या हूँ, प्लेयर को ये भी पता होता है और जो सिलेक्ट करता है उसको ये भी पता होता है कि क्या चीज़ है। अब आप जो चीज़ आपने सिलेक्ट की थी, अब उसने रिजल्ट नहीं दिया तो सवालात उठेंगे। सही, ये वो सवालात हैं। अब पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र रखें, जो पीसीबी के चेयरमैन साहब ने बोला है उसका इंतजार करें, जब आएगा आउटपुट फिर वो देखा जाएगा। उन्होंने बोला ही नहीं है कि सर्जरी होगी, बात जगह तो ये भी कह रहे हैं। खैर सर, अब अगर बैक फुट पर आप चले जाएं सर, कल के मैच पे बात कर लें, एक काम करें यू टेन ले लें तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं। अब कल का मैच मैंने आपको बताया ना कि कल वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, आप किसको फेवर दे रहे? मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका को मैं वो करूंगा, बेशक वेस्ट इंडीज को होम ग्राउंड हो परवाह नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में मैं जो ना साउथ अफ्रीका चूंकि जीतता आ रहा है, विनिंग ट्रैक है उनके, बॉलर्स भी अच्छे हैं। वेस्ट इंडीज का कुछ पता नहीं, अप्स एंड डाउन, कभी तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाए और कभी हार भी जाती है, देखा आपने हारी। मैं इसी वजह से उनकी तरफ हूँ, ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती है। हाँ, कि कभी तो उनको पता है कश्ती जली हुई है और अंदर उतरना है, तो वो पहली बात तो उनकी टीम में जो स्पेशली जो बैटिंग लाइनअप है ना उसमें गेम चेंजर्स बहुत सारे हैं। ये गेम चेंजर्स, ये जो गेम चेंजर्स होता है ना, ये बहुत सारे बहुत कम टीमों में देखने को मिलते हैं। कोई भी टीम ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंडिया ले लें, कि जो आ रहा है यार इससे बचना कैसे, अगर ये खड़ा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो इनके साथ ये है, सही है। सातवें नंबर पे भी जो आ रहा है, रसल आ रहा है सातवें पे, कुछ आईपीएल में भी अच्छा, यही बोल रहा हूँ सर। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सवाल करें, कैसे हैं, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं समी बात कर रहा हूँ सर, शेखुपुरा से। जी बोलिए समी साहब, क्या कहेंगे? सर मैंने कहना है कि हम बाबर के रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं, हम हार गए हैं, बहुत अफसोस वाली बात है, जिसमें कोई दुख, जी कोई दुख वाली बात नहीं, लेकिन हमें तीन सिलेक्टर के जो इतनी टीम बनी हुई थी, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, असद शफीक, उनसे भी तो कोई पूछना चाहिए। उसमें हम इमाद वसीम को ले गए, उससे अच्छा तो हम शुएब मलिक को ले जाते, वो इमाद वसीम तो 200% अच्छा बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में मैं यकीन से कह सकता हूँ उसने इंडिया वाला मैच शुएब मलिक ने जिता दिया। फिर कप्तानी का और मसला खड़ा हो जाता ना, कि शुएब मलिक फिर कप्तानी के उम्मीदवार भी बन सकते थे। सर पहले भी तो मसला खड़ा ही था शुएब, उसमें शाहीन अफरीदी भी कप्तान था, ठीक है, वो तो हमें भी पता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां सभी, वक्त कम था इसलिए आपसे माजरत। वो कह रहे हैं कि अगर इमाद वसीम आ सकता तो शुएब मलिक भी, शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो अवेलेबल हूँ। नहीं, मैं वर्ल्ड कप फिट है, देखे वर्ल्ड कप जीते हारे वो एक अलग चैप्टर है। अगर देखा जाए आपके इस मिडिल ऑर्डर में उस जैसा एक प्लेयर भी नहीं है, ये तो फंस के खेलता है। ये नहीं, इस पूरे मिडिल ऑर्डर में कोई एक प्लेयर भी उनके लेवल का नहीं है। शुएब मलिक के 13,000 रन मजाक नहीं, लूडो पे नहीं बने, 13,000 रन T20 क्रिकेट में जी आसान चीज नहीं है, बहुत रन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया का चंद प्लेयर है जिन्होंने 15 इवेंट जीते हैं, उसमें वो दूसरे नंबर पे है पोलार्ड के बाद। तो एक आपके और उस पिचेस पे तो खेल नहीं फंस के है वेस्ट इंडीज अमेरिका, तो ऐसा प्लेयर तो आपको चाहिए था। लेकिन चले अब देखते हैं कल क्या होता है, कल जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो साउथ अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज का है, देखते हैं। और उसके अलावा जो कल एक और मैच भी है ना आगे, वो ऑस्ट्रेलिया का और उसका इंडिया का, उस मैच में क्या होता है वो भी हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। हम आपको इस हवाले से आपकी राय भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे और क्रिकेट के मामलों पर गुफ्तगू भी करते रहेंगे। इसके साथ ही जोश जगादे की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। मिर्ज़ा इकबाल बे, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।